आज नवरात्रि के व्रत का पहला व्रत है और नवरात्रि में माता रानी का प्रसाद हर घर में बनता है। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान रेसिपी। यह रेसिपी 5 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी और इसमें सिर्फ हम 2 इंग्रेडिएंट का यूज करेंगे, आलू और कुट्टू के आटे का। इसके अलावा छोटे मोटू से इंग्रेडिएंट और हैं जो घरों में आसानी से अवेलेबल होते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की नवरात्रि स्पेशल रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने एक आलू को वॉश करके लिया है, इसको अच्छे से छील लेंगे। तो व्रत के लिए बन रहा है तो सफाई का खास ध्यान रखना है। आलू को छीलने के बाद हमें करना क्या होगा कि हम इस तरह का एक कद्दूकस ले लेंगे। तो इस तरह से हम आलू को करेंगे जो ऊपर से नीचे की तरफ खींचते हुए, जिससे कि लंबे लंबे छल्ले बन जाएं आलू के। अगर आपके पास बड़े साइज का आलू है ना तो उसमें बहुत ही अच्छे छल्ले बनेंगे, तो आप बड़े साइज का आलू भी ले सकते हैं। आलू को मैंने यहाँ पे कस लिया है, आप देख सकते हैं। तो मैं सारे आलू के छल्लों को एक जगह इकट्ठा करूँगी, एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो इसके बाद मैं एक बार इसे फिर से वॉश करूँगी, पानी डालकर हम इसे एक बार धो लेंगे। इससे होगा क्या कि इससे आलू का एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाएगा और हमें इस तरह इस प्रोसेस को 2 से 3 बार करना है। यहाँ पे मैं 3 बार आलू को अच्छे से वॉश कर चुकी हूँ। तो पानी में से आलू को निकाल कर अलग कर लेंगे। नॉर्मली इसे इस पानी में से इस तरह से उठाना है और दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करना है। पानी निकालने के बाद इसे थोड़ा सा स्पाइसीपन देने के लिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ हरी मिर्च का। तो यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ा मैं ऐड करूँगी फ्रेश हरे धनिए की पत्ती। इसमें 1/2 छोटी चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ सेंधा नमक का, यानी कि रॉक सॉल्ट का। सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक पैन। घी हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद हम ऐड करेंगे ये आलू के छल्लों को। तो आलूओं को हमें इस तरह से फैलाते हुए चम्मच की हेल्प से पूरे में गोल सर्कल बना लेना है। इस आलू के पेस्ट में ना काफ़ी पानी है, जिससे आलू के बेस को पकने में दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से आलू डालकर मैं सारे में अच्छे से फैला लूँगी। आप आलू सारा ऐड कर लेना फ्राई पैन में, तो उसे चम्मच की हेल्प से इस तरह से शेप दे दें। तो लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस पे, जिसमें मैंने यहाँ पे एक बाउल में 1 कप कुट्टू का आटा लिया है। और अगर आप व्रत में सिंघाड़े का आटा खाना पसंद करते हैं ना, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक का। इसमें हमने थोड़ा सा 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर का यूज़ किया है। ऊपर से डाला हमने थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया और इसे पानी डालकर एक मिक्सचर की तरह तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे बैटर बनाने के लिए मैं पानी एक बार में ऐड नहीं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे एक बैटर को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस मिक्सर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो फोक का भी यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई गुठली या लम्स ना रह जाए इसमें। तो मैंने 2 से 3 मिनट इस बैटर को फेटा है। चम्मच की हेल्प से मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसमें किस तरह का बैटर लगेगा। आप देख सकते हैं ना नीचे डलने के बाद किस तरह से रिबन्स बन रहे हैं, बस हमें बस इसी तरह का बैटर चाहिए। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पे आलू का बैटर एक तरफ से सिक गया था, तो इसको फ्लिप कर लेंगे। अगर ये फ्लिप करते समय मुड़ जाए ना, तो आप इसे फिर से उंगलियों की हेल्प से सीधा कर लें, क्योंकि फिर से ये अपनी शेप में आ जाएगा। दूसरी साइड से भी सेकने के लिए हम इसे वापस से फ्राई पैन में डालेंगे और साइड्स में थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे, जिससे कि ये नीचे से चिपकेगा नहीं। ऊपर से भी थोड़ा घी लगा देते हैं और इसे सिकने देते हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट सिकने के बाद ये हमारा बनके तैयार है। तो आलू के इस चिल्ले को प्लेट में निकाल लेते हैं। तो प्लेट में निकालते समय ये ध्यान रखें कि इसमें थोड़ा सा घी लगा लें। इसके बाद हम सेम ही पैन का यूज़ कर रहे हैं। तो कुट्टू का बैटर डालने से पहले इसमें हमें ऑयल डालने या घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें पहले से काफ़ी लगा हुआ है। तो बैटर डालने से पहले आप एक बार इसे और मिक्स कर लें, उसके बाद फ्राई पैन के बीचों बीच डालें। तो एक बार में 2 या 3 चम्मच भर के पहले बीच में डाल लें और उसके बाद आप इसे फैलाना शुरू करें। फैलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप चम्मच को इस तरह से गोल गोल चलाते हुए इसे फैलाएं। उसके बाद ढक्कन लगा के इसको अच्छे से पकने देंगे। तो इसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, देखिए ऊपर से ड्राई हो जाए ना, 1 मिनट से भी कम लगा है हमें इसमें। जैसे ही ऊपर से ड्राई हो जाए ना, तो फ्लिप करने से पहले ऊपर थोड़ा घी लगा लें, उसके बाद बिल्कुल धीरे धीरे इसे पलट दें। तो मैं आपको यहाँ पे पास से इसे दिखाती हूँ, ये कहीं से टूटा नहीं है। तो अलटते पलटते हुए हम इसे सेक लेंगे। जब ये कुट्टू का चिल्ला ना दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक जाए, तो उसके बाद हम इस पर ऐड करेंगे ये आलू का चिल्ला बना हुआ। चिल्ले पर आलू को अच्छे से फैला लेंगे चारों तरफ से। तो इसे अच्छे से फैलाने के बाद मैं ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल करूंगी हरा धनिया। नवरात्रि व्रत के लिए ये चिल्ला बनकर हमारा एकदम तैयार है। तो धीरे से हम इसको एक तरफ से उठाकर दूसरी साइड की तरफ फोल्ड करेंगे। तो ये चिल्ला बनकर हमारा एकदम तैयार है, दिखाती हूँ कितना बढ़िया बना है ये चिल्ला। तो चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस पर। आप इसे सर्व कर सकते हैं दही के साथ, रायते के साथ या फिर ग्रीन चटनी के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना अच्छा लग रहा है और खाने में कितना बढ़िया बना था। तो इस नवरात्रि आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ चिल्ले को अंदर से कितना बढ़िया लग रहा है देखने में ये, और खाने में भी बहुत अच्छा बना था।
एक बार आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ट्राई करने के बाद अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी फैमिली को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं।